पित मात मोद मन भाई। तो गोस्वामी बाबा ने यह भी लिख दिया है कि ऐसो को जन्म्यो जगमाही प्रभुता पाए ताए मद नहीं। और दादा देखो ये अभिमान अलग अलग तरह को हुए। का हुए अभिमाने अपनी दौलत को, का हुए अभिमाने अपनी संतान को, का हुए अभिमाने अपनी ताकत को, का हुए अपने रूप को, का हुए गायबे को, का हुए बजायबे को। और कोई कोई हम जैसे गमा रहे यूं ही ना पतो अभिमान काय को वो बेचारो वैसे ही फटे हो जा रहो खामा खाई। देखो कवि लिख रहा है कवित्व में कैसे भैया। सोच के बता तो कहा गमायो जाए संग लेके आयो है कितनी जमी समायो है। कहत कभी लखन कर हरी को भजल भबुते बेड़ा पार याने बहुतन को करायो। और सरदारो देखो हमारे यहाँ एक तो भाषा ही ऐसी है राजस्थान की भड्ड को बड्डी सी उदम सिंह अपनी माता से कहने लगे मैया मेरी करीबा दिन को और डायर मैया था और 101 रुपया रामवीर सिंह नयाबाद साखी की फरमाइश इन नहीं करी है कि साहब साखी के हो गो शुरू शीतल 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 करूं शहीदों की आत बदलो घर में जाए। अरे गायत्री मंत्र तो पाठ कराए दे या धरती को मैया
या माटी को मैया या माटी को दिल को, अरे या माटी को दिल को। ये 500 रुपए का पुरस्कार धर्मवीर सिंह पत्रकार जी घोड़ा निवासी दे रहे और 100 रुपया बच्चू सिंह प्रधान जी नए वास वाले। गायत्री मंत्र को पाठ करा दे भारत या माटी को मैया तिलक लगा दे, हाथन में पिस्तौल लगा दे, हाथन में पिस्तौल लगा दे, भारत भूप मेरी बली चढ़ा दे। पहुंच गयो कहां पहुंच गयो, ये राजस्थानी साखी है। अरे पहुंच गयो हो लंदन में जाके, पहुंच गयो लंदन में जाके, अरे पहुंच गयो लंदन में जाके, डायर भाषण दे रहे आए के, डायर का भाषण दे रहे है, अरे डायर भाषण दे रहे आए के। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आपके क्षेत्र के चारों तरफ जिन्होंने आपके क्षेत्र की गूंज की, मेरे बड़े भाई मुकेश शर्मा जी माती निवासी दे रहे, जोरदार ताली से एक बार स्वागत कीजिएगा। 100 रुपए केरी सिंह भगत जी नए वासवारे। अरे डायर भाषण दे रहे आए के, भारत 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 रखो ए गुलाम बनाए के, भारत रखो ए गुलाम बनाए के, अरे कोई हसत जाए पदका, ये 100 रुपए राजू फौजी जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हसत जाए पदका, खून खोल गयो उदम सिंह को, तर्ज में ढाला 100 रुपए। कैप्टन हरपाल सिंह जी दे रहे किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष घोड़ा से, और क्या कह रहा है दामोदरी रसिया चार साहब, लिखो कर ऐसे वीरन को, वीरन को एक 100 रुपए स्वराज भगत जी नयावास वाले, और 100 रुपया सुभाष सिंह नयावास, 51 रुपये दादा दे रहे चौधरी। वीरन कबीरन 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 को, लिखो कर ऐसे वीरन को, ए भगवान शरण इतिहास, अरे लिखो कर ऐसे वीरन।
51 रुपए चौधरी उदयवीर सिंह, 51 रुपया बीरो सरपंच सिंसनी के, यहाँ कहाँ से आए गए? अच्छा 51 रुपए कुसलू भैया सिंसनी बारे। अब ध्यान को जुटाइए, आप जैसे विद्वान बताते क्या खाक मजा आता है दास्ता गम सुनाने में। मजा तो आता है बैठकर दो आंसू बहाने में। 100 रुपया उमेश फौजी नोटी ले लियो, ले लो। और कभी कह रहा है तुझे क्या मिल गया जालिम किसी का दिल दुखाने में। इंसाफ तो होगा उस खुदा के कार आने में। जैसे सरदारों आज आप लोग इकट्ठे हैं कि बैठे, एक दिन ब्रह्मा जी इनको दरबार लग रहे हो। ब्रह्मा जी के दरबार में कौन? बलशाली रावण जाता है और बलशाली रावण जाकर के कहता है, प्रभु आपने संसार में सबके काल बताए लेकिन मुझे मेरा काल नहीं बताया। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए, बोले अबध भूप के महल में आके प्रगटे राम, कुटम सहित रावण तेरो मेटिंगे जगते नाम। कौशल्या नारी मिले कल शादी रचाई जाएगी, सोने की लंका रावण तेरी खाक में मिला दी जाएगी। जोरों से हंसने लगा बलशाली रावण, हा हा करके हंसने लगा। क्या मारेगी मुझको माछली? अरे वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वहां से चल दिया राजा सुकौशल के यहाँ आ गया। राजा सुकौशल की बेटी कौशल्या गौरी मैया के मंदिर में पूजन कर रही है। कौशल्या का हरण कर लिया और नारद मुनि के बहकावे में आकर के कौशल्या को सरयू नदी के किनारे ले आया बलशाली रावण। और जिगड़ी चालू है रही है साहब, कैसे मास्टर क्या सोच रहा है? मारे और मर जाए तो काम बन जाएगा। कौशल्या बैठार के कहा दई बाबा जल की। कौशल्या को हरण चार लाइन वो याद आ गई है, तुम्हारो आदेश हो तो कह दूं साहब पीछे बारे हो ना, ऊपर को हाथ करके सिग्नल दे दे करो। आज की युवा पीढ़ी ताऊ जी हमारी जैसी न्यू जनरेशन छोरा को पापा एक एक जोड़ी कुर्ता पजामा के चार चार साल निकारेगा, रात भर गैया नितारेगा बेचारो।
बेटा ने मैं कहूं जो कह दे लल्लू ने के पापा मुँह पे यहाँ ते सलना पड़ रही मुँह को रूम लगा दो अलीगढ़ वहां जाके पढ़ूंगो जाए घोटू घोटू कर जा मैं घर जाओ पर छोरा को रूम जरूर लेवाबेगो पापा ना पता बेचारे बा को छोरा मां कागल खिला रहो देखो चाल लाइन आ रही है कैसे ये एक से एक रुपए प्रेम सिंह काका जी दे रहे सा अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ के लड़के चाचा अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ के छोरे अब गलत राह पे जा रहे हैं मम्मी पापा न दिए मैया बापा न दिए मम्मी पापा न दिए पैसा ले होटल पे खानो एक चीज अलग ही चली है यो मत किए छोरा का कह रहो है एक से एक रुपया पान सिंह फौजी जी किड़ोरा बारे दे रहे यो मत की छोरा का कह रहो राजस्थान को पर बिल्कुल सही बात है कहूं अरे ऊंटन किसी कटिंग करा के कटिंग देखो तुम कटिंग एक साइड तो ऐसी मिलेगी बिल्कुल साफ ऐसे समझो का उन्हें देव उठनी के आर्स बच्चों का दे दिए हुए और एक साइड ऐसी मिलेगी जैसे काउ ने बटोरा पर छान छाए दई हुए वाह रे तेरी कटिंग मास्टर कैसे अरे ऊटन किसी कटिंग करा दी यू मानो फिल्म बना रहे हैं कानन में ये लीड लगा के टच के फोन चला रहे हैं रुपए अच्छा जी रणवीर सिंह और चौकेलाल 50 रुपया कल्लू काका बहुत बहुत धन्यवाद लियो बलशाली रावण ने सोचा एक सैक रुपया हमारे बड़े भैया चंद्रवीर सिंह जी के जो कुमरपुर के हैं बड़े भाई रामवीर जी एक सैक रुपए दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान को कथा की तरफ रखे बलशाली रावण ने सोचा जो मैं हत्या करूं नार की दोषी बनूं जमाने का काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का ले संदूक असुर ने या मैं कौशल्या बैठाई और बाबा याने जल के बीच बलशाली रावण ने अपना काम कर दियो और उधर में महाराज दशरथ जी कौशल्या की बारात को लेकर के कौशलपुर में आ गए राजा सुकौशल को जब पता चला कि भैया बारात नगर में आ गई है बेटी को कोई पता ठिकाना ना है अब ये जिकड़ी को चौक आए रोए राजा रोए गो चौक में मास्टर कैसे भैया देखो याने और भैया याने पास बुलाए लिए रानी
ठाड़े ठाड़े रोमे दोनों प्राणी ओ ओ आ अरे ठाड़े ठाड़े रोमे दोनों प्राणी और ईश्वर की अरे ईश्वर की और ईश्वर की गतिनाए सुकौशल और रानी महलों में बिलाप कर रहे हैं दादा और लीजिए मेरी जिकड़ी का ढोला और ढोला में किस तरह से रो रहे हैं 101 रुपए सत्यपाल सिंह जी मलक मसौली वाले 101 रुपए नंबरदार दिगंबर सिंह जी नया बास वाले 50 रुपए दया शंकर जी तारापुरा वाले और लीजिए ढोला मालवी सिंह कृष्णा नगर अच्छा जी अरे हो अब शादी कैसे होगी शादी कैसे रे और ये ढोला का जराब है अरे होए अब शादी कैसे अरे होए अब शादी कैसे और दूल्हा परना दूल्हा तो खड़ो है मेरे उड़ान और उड़ान में दोनों राजा रानी विचार विमर्श कर रहे हैं कह रहे हैं दादाजी भैया और सुनो और है गई
सब विधि ते खारी ये उड़ान में एक छोटी सी ठुमरी कह रहा हूं साहब और ठुमरी क्या कह रही है जाऊरी में तो हाँ जाऊरी में तो ओ हो जाऊरी में तो पिया के पास कैसे जाऊं जाऊरी में तो पिया के पास कैसे क्या रात अंधियारी कारी बिजली चमक रही एक दो तीन चार रुपए ये डीके स्टूडियो वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एक से एक रुपए जय किशोर प्रधान जी नयावास वाले ये रात अंधियारी कारी बिजली चमक रही घटा गहराए रही बुंदिया बरस रही भीगी जाऊं भीगी जाऊं भीगी जाऊं भीगी जाऊं ना जाऊं ना जाऊं मैं तो पिया के पास तो पिया के पास कैसे रो रहे दोनों नर नारी है गई सब विदते खारी पासयन मंत्री बुलवायो पासयन मंत्री बुलवायो पासयन मंत्री बुलवायो पासयन मंत्री बुलवायो पासयन बुलवायो भैया दियो अकल बताए मंत्री दियो अकल बताए बचन राजा ने भर ये छोटी सी कड़ी हुई अब एक दो मिनट का गीत और गीत क्या